अब जब भी धोनी का जिक्र होता है तो सीधे सीधे कुछ सवाल सुनाई पड़ते हैं। धोनी कब रिटायरमेंट लेंगे? क्रिकेट में धोनी की वापसी कब होगी? क्या धोनी अगले साल T20 वर्ल्ड कप खेलेंगे? लेकिन इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ और सिर्फ धोनी या BCCI के नए प्रेसिडेंट सौरभ गांगुली के पास है। हाल ही में सौरभ गांगुली ने धोनी पर एक बयान दिया है, जिससे क्रिकेट में उनके भविष्य का अंदाजा लगाया जा सकता है। गांगुली ने कहा है, धोनी को लेकर सब साफ है, लेकिन अभी किसी भी तरह का बयान देना सही नहीं होगा। उनके भविष्य को लेकर सेलेक्टर्स धोनी और BCCI के बीच सब कुछ साफ है। धोनी के ऊपर जो कुछ तय किया गया है वो आपको सही समय आने पर पता चल जाएगा। वर्ल्ड कप से पहले ही धोनी के रिटायरमेंट की अटकलें तेज हो गई थी। विश्व कप के ठीक बाद धोनी क्रिकेट से संन्यास ले लेंगे, ऐसी खबरें भी जोरों पर थी। जब भारत का वर्ल्ड कप में सफर खत्म हुआ तो लगा था कि बस किसी भी पल धोनी अपने संन्यास की घोषणा कर सकते हैं, लेकिन उनके रिटायरमेंट प्लान से तो खुद कप्तान विराट कोहली भी बेखबर थे। विराट भाई, इसके आगे भारतीय टीम वेस्टइंडीज जा रही है, वहाँ वनडे क्रिकेट भी खेलना है, तो अभी भी स्पेक्युलेशन जा रही है कि महेंद्र सिंह धोनी क्या करने वाला, क्या कुछ कहा है वो उन्होंने आपको या फिर टीम को, क्या उनका फ्यूचर क्या होगा, क्या निर्णय? अभी तक हमको कुछ नहीं बोला उन्होंने। विश्व कप खत्म हुए आज लगभग 6 महीने पूरे हो गए हैं, लेकिन अब तक ना ही धोनी के फैंस को और ना ही मीडिया को धोनी के भविष्य के बारे में कोई जानकारी है। विश्व कप के बाद से अब तक भारत ने 3 सीरीज खेली हैं और हर सीरीज से पहले टीम सिलेक्शन के लिए धोनी उपलब्ध नहीं थे। हाल ही में टीम इंडिया के हेड कोच रवि शास्त्री ने भी धोनी को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि क्रिकेट में धोनी की वापसी अगले साल होने वाले IPL पर निर्भर करेगी। अब धोनी के फैंस को बेसब्री से सिर्फ एक ही बात का इंतजार है कि धोनी खुद कब क्रिकेट में अपने भविष्य पर फैसला सुनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्पोर्ट्स तक।